उज्जैन में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग एक्शन में आ गया है। इंदौर ग्वालियर के बाद अब देवास में आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश दी। तहसीलदार प्रवीण पाटीदार और सहायक आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने बड़ा पलिया के जंगल से बड़ी मात्रा में देसी शराब जब्त की। मौके से करीब 9,84,000 के देसी शराब जब्त की गई है। वहीं दबिश के दौरान सभी आरोपी फरार हो गए। और 185 लीटर हाथ भट्टी मदरा और 18,200 लीटर हुआ लहन बरामद हुआ है। 8 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें से 2 प्रकरण धारा 34(2) के तहत कायम किए गए हैं। जब सामग्री मूल्य 9,84,000 रुपए है। सर, इसमें कितना आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं? अभी आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, वो जंगल में फरार हो गए। देखकर गाड़ियां उनकी तलाश जारी है, प्रकरण में बेचना में लिए गए। 600 पाव देसी मदरा प्लान और 185 लीटर।